मैं सुरेंद्र पाल सिंह, गांव ढींगावाड़ी, जिला फाजिलका से किसान परिवार से हूं। और आज अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा यहां फसल लगाई गई है, देसी कपास है। इसमें बीच में मिश्रित खेती के तौर पर मूंग फसल है। और ये जो देसी कपास यहां हम देख रहे हैं, ये KR 64 है और ये बीच में मूंग लगाया गया है। और इससे आगे जो है वो LD 949 किस्म भी लगाई है और उसमें भी इसी तरह से बीच में मूंग की मिश्रित खेती लगाई गई है। मूंग ये लगभग 2 महीने में पककर तैयार हो जाने वाली फसल है। तब तक देसी कपास की बढ़वार कम होती है। और दूसरा है कि मूंग की फसल होने साथ में होने से इसको ज़मीन को ढक के भी रखता है, या गर्मी जो है गर्म हवा वो कम परेशान करती है। जब तक ये देसी कपास बढ़ के इसको मतलब फैलना शुरू होगी, तब तक ये मूंग जो है वो अपनी पैदावार दे जाएगा, इसको हम काट लेंगे। मूंग कुछ ना कुछ जो है वो भूमि सुधार का काम भी करता है। इसकी पत्तियों से और मुख्य फसल कपास है, इसको भी लाभ मिलेगा और एक अतिरिक्त आमदनी के तौर पर मूंग की फसल ले ली जाएगी। तो अब जब ये मूंग की फसल पक गई है और ये कटाई हो जाएगी, उसके बाद इसमें अकेला केवल मुख्य फसल के तौर पर देसी कपास ही रहेगा और उसको अच्छे से फैलने का और वो सब मिल जाएगा। तो आज से पहले तो ये बहुत छोटा था, इसकी बढ़वार बहुत कम होती है देसी कपास की। तो जगह खाली जो रहती है उसको ढक के रखना भी ज़रूरी था और साथ ही एक मतलब अतिरिक्त आमदनी के तौर पर हमें इससे मूंग से लाभ मिल जाएगा। अगर आप इसमें मूंग की फसल नहीं भी लगाते हैं तो देसी कपास तो बढ़वार बहुत कम होती है। आज ये आप मानिएगा 2 महीना की फसल है, तो 2 महीना में ये इतना ग्रोथ किया है। तो उस समय ये बिल्कुल खाली जैसा खेत रहता है और खाली रहेगा, उससे घास फूस भी दूसरा और ज़्यादा होगा और ज़मीन भी खुली रहेगी, तो गर्मी जो है वो इन छोटे पौधों को ज़्यादा तंग करती है। खरपतवार से भी बचाव है। दूसरा, ये मूंग की फसल जो है इस मुख्य फसल देसी कपास के लिए कुछ अलग से मतलब इसकी भूमि सुधार का भी काम करेगी और एक मल्च किए बिना भी इसने ज़मीन को ढक के रखा था, गर्मी से बचा के रखा, और अतिरिक्त आमदनी तो मिली। अब जब ये फसल कटाई हो जाएगी तो इसकी पत्तियां और जो है वो यहाँ जो गिरेंगी वो आगे हमारी देसी कपास को उर्वरकता में अच्छा फायदा करेगी। देसी कपास में उत्पादन कम तो नहीं होता है, मगर ये है कि जब तक खाली जगह है और ये मूंग की फसल हमारा एक अतिरिक्त मतलब फसल हो गई, इससे देसी कपास को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ना तो ये उसका न्यूट्रिशंस लेती है, उल्टा इसने तो उसके लिए मल्चिंग का काम किया है, एक ग्रीन कवर क्रॉप का काम किया है। तो ये अगर मूंग हमें 3 क्विंटल भी पर एकड़ से प्रोडक्शन दे जाते हैं तो हमारे लिए वो बिल्कुल एक नेट प्रॉफिट वाली बात रहेगी। और 3 क्विंटल मूंग पर एकड़ से लेने के बाद देसी कपास में किसी तरह का कोई कमी नहीं आएगी, देसी कपास को तो इसकी वजह से लाभ ही मिलेगा। देखिए, छोटी फसल के तौर पर आप मूंग ही लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ बेल जैसे ककड़ी वगैरह की वो लगा दी जाती हैं, तो जब तक वो अपना पैदावार देती हैं तब तक देसी कपास बहुत छोटी होती है, और जब देसी कपास बढ़ना शुरू होती है तब तक वो अपना पैदावार दे देती हैं। इसके साथ
अरहर की लाइन भी एक तरह से प्रोटेक्शन के तौर पर लगाई जाती है। इसमें आप थोड़ा बहुत ट्रैप क्रॉप के तौर पर बाजरा है, मक्का है, चावला, वो भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो ट्रैप क्रॉप के तौर पर होगा, वो इंटर क्रॉप के तौर पर नहीं होगा। ट्रैप क्रॉप से जो है इसमें आने वाले कीट पतंगे जो हैं उसका बचाव रहता है। ट्रैप क्रॉप जो है उस पर चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी बैठेंगे, और पक्षी जो है वो किसान का या फसल का नुकसान करने वाले कीटों को अपने आप काबू कर लेते हैं, तो हमें अलग से किसी एफर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से हमारे यहाँ नरमा कपास ही होता रहा है। 100 साल तो ज़रूर हो गए होंगे हमारे यहाँ इस जगह में नरमा कपास की फसल होते हुए। ये जो हम जैविक पद्धति से तैयार करते हैं कपास, इसका हम अपना बिनोला निकलवा के अपने पशुओं के लिए रखते हैं, और जो कपास बचती है, जो लिंट होता है, उससे आगे हम अपना धागा तैयार करवा के कपड़ा तैयार करते हैं। देसी कपास का ट्रेंड ऐसा है कि अभी बीटी आने के बाद इसकी डिमांड कम हो गई है, मगर फिर भी आज भी शुरुआत में जो है, जब हमारे यहाँ उत्तर भारत में नरमा कपास का सीजन शुरू होता है, तो सबसे पहले डिमांड देसी कपास की होती है, और बाज़ार में भी देसी कपास की कीमत नरमा के मुकाबले अच्छी मिल जाती है, क्योंकि अभी तक भी मिलें जो हैं, कताई मिलें हैं, उनकी ज़रूरत देसी कपास की रहती है। दूसरा, देसी कपास जो है इसमें एक क्वालिटी है इसकी, ये स्पंजी होता है, तो जितना भी मेडिकल कॉटन आता है या सर्जरी के लिए जितना भी कॉटन इस्तेमाल होता है, वो भी सब इसी देसी कपास से तैयार होता है। यहाँ से अब जो है LD 949 किस्म है, और उसी तरह इसमें भी बीच में मूंग की मिश्रित खेती ली गई है। ये सबसे बड़ा अंतर तो उसके रंग में, पत्तियों के रंग में और शाखाओं के रंग में भी अंतर है। इसका तना और टहनी जो है वो थोड़ा गहरा बैंगनी या काला जैसा रंग में होता है। इसके फल जब आएगा तो वो पत्तियाँ भी लाल रंग की रहती हैं, जबकि दूसरी KR 64 किस्म में हरे रंग की होंगी। इसका फूल खुलने के बाद गहरा लाल रंग का होता है, उनका फूल जो है वो थोड़ा हल्के लाल रंग में रहता है। अब ये देखिएगा, ये अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये यहाँ फल आना शुरू हो गया है, और इसका आप रंग देख लीजिए, ये जैसा इसकी टहनियों का रंग है वैसा ही इसका पत्तियों का रंग यहाँ से आप मतलब गहरा बैंगनी या भूरा कह सकते हैं, काला कह सकते हैं। ये किस्म जो है इसमें फल के इधर बनना शुरू हो गया, फूल इधर आएगा, और इसकी पत्तियां जो है बाहर से भी हरे रंग में हैं। जैसा आपको मैंने पहले वो मशीन दिखाया था, उससे एक ही बार में 3 रो में देसी कपास की बुआई की गई थी, और देसी कपास की कतार के बीच में 2-2 रो मूंग का लगाया गया है। ये उस मशीन से एक बार में एक ही साथ बुआई हो जाती है, तो इससे समय का भी बचत होता है और आपका फसल भी एक साथ अच्छी रहती है। ये आइए इधर देखिएगा, ये पत्ती खाने वाली इल्ली है, तो ये कोई हमारे लिए इसका इतना भय नहीं है, कोई डर भी नहीं है, ये बारिश आने पे अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। सबसे पहली तो है कि इसमें आप देसी कपास या नरमा जो लगा रखा है उसको 40 से 45 दिन के बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके साथ आप उसमें सिंचाई करने से पहले गोड़ाई या खरपतवार निकालते रहें, और सिंचाई करने के बाद अगर आपने खाद की, गोबर वाली खाद की FYM की जो मात्रा देना है वो उसमें बिखेरते हुए उसमें हल चला के गोड़ाई कर दी जाए तो वो खाद उसमें मिल जाएगी। और उसके साथ ही एक जो सबसे पहले आता है स्टेम बोरर कीट आता है, जिसे पोटेटो
भी बोलते हैं उसका भी ध्यान किया जाए, तो थोड़ा आप जो हमारा नीम आग दतूरा का दस पत्ती का जो अर्क है वैसा आप घोल बनाकर छिड़काव कर दें, तो उससे वो कीट पतंगे जो है वो आने का चांस भी नहीं होगा, बचाव रहेगा। ये शुरुआत में जो देसी कपास में आता है इसमें 1.5 से 2 महीने के बीच आता है, जो ऊपर से तने को सुराख करके उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से वो तना जो है ऊपर से मर जाता है। इनके लिए आप मतलब अपना खट्टी लस्सी है उसका छिड़काव करते रहें। खट्टी लस्सी के साथ आप पहले तो इसको इकट्ठा करिए, आपके पास अगर महीना भर पहले से भी इकट्ठा की हुई खट्टी लस्सी रखी है तो वो बहुत बेहतर रहेगा। उसे आप 20 ml पर वाटर लीटर से लेकर 50 ml पर वाटर लीटर तक पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। हमारा जो 3 पत्ती 5 पत्ती या 10 पत्ती जो अर्क होता है उसका भी छिड़काव हम कर सकते हैं। तो ये बदलते हुए करते रहना चाहिए ताकि कीटों को अलग से वहाँ जो स्मेल आएगी तो वो अपने लायक अपने प्रजनन के लिए वहाँ अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए कीट वहाँ नहीं आएंगे। लस्सी जो है आप इसको अगर 10 ml से 50 ml पर वाटर लीटर तक भी इसका सॉल्यूशन बना के छिड़काव करते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लस्सी के साथ ही अगर आप बराबर की मात्रा में गौमूत्र मिलाकर करते हैं तो वो हमारा कुछ इसका जो है नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेगा, रंग में सुधार भी करता है और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस के तौर पर भी काम करेगा। बाकी नरमा की तरह देसी कपास में रस चूसने वाले कीड़ों का इतना कोई गंभीर प्रकोप नहीं होता है और उनसे कोई ऐसा डर भी नहीं रहता है, तो उसके बारे में घबराने की कोई ख़ास बात नहीं। और जब हमारा ये अगर छिड़काव किए गए होंगे तो रस चूसने वाला या चबाने वाला या खाने वाला कोई भी कीट नहीं आएगा। नरमा में देसी कपास के मुकाबले रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप थोड़ा अधिक मिलता है देखने को, उसका पत्ता बड़ा और चौड़ा होता है तो इस वजह से उसमें रस चूसने वाले कीट ज़्यादा आते हैं। देसी कपास में उनको इतनी जगह नहीं मिल पाती इसलिए इधर कम आते हैं। नीम निमोली को अगर आप इकट्ठा करके वो सुखा ली गई हैं और सूख चुकी होती हैं तो आप उनको थोड़ा क्रश करते हुए उबलते हुए पानी में डाल के उसको काफ़ी देर के लिए उबालते रहें, और अगर किसी लकड़ी से उसको बीच में तोड़ते रहते हैं आप तो और भी अच्छा रहेगा, उनका एक्सट्रैक्ट और अच्छा मिलेगा। तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो आप 15 से 20 ml पर वाटर लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहें तो मतलब गौमूत्र का छिड़काव भी उसके साथ मिला के किया जा सकता है। 20 से 25 किलोग्राम सरसों का खली जो है वो आप एक एकड़ में डाल दीजिए। नीम की खली जो है वो आप 2 से 3 बार में डाल देते हैं तो अच्छा काम करेगी, उससे आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलती है, बायोमास भी मिलता है और नीम की खली जो है वो नीचे ज़मीन में पैदा होने वाले कुछ रोग हैं उनसे भी बचाव रखती है। बाकी देसी कपास के लिए मिट्टी का कोई ऐसा चढ़ाने का महत्व नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है, वो अपने आप ही मिट्टी उसमें चढ़ जाती है। देसी कपास में मिट्टी की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं होती है कि इसकी खुद की जड़ें जो हैं वो 1.5 से 2 फीट तक ज़मीन में नीचे खूब गहरी और मजबूती से पकड़ के रखती हैं, तो देसी कपास का हिलने का या गिरने का ऐसा कोई डर नहीं होता है। देसी कपास की चुगाई में आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होगा कि देसी कपास के टिंडे लगातार बनते हैं और उसी तरह से लगातार इसकी चुनाई भी होती रहे, तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आज अभी थोड़ा वजन आ रहा है पर एकड़ से तो हम इसमें थोड़ा ठहर के चुनाई करवाएं। अगर आप ऐसा सोच कर करेंगे तो आपका जो बॉल खुले हुए हैं जो देसी कपास
है वो हवा के साथ या किसी तरह से भी पौधा हिलने से भी नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने से उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ती है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने पिकर्स को लगा के साथ की साथ ही इसकी चुनाई करवाते रहें, वो भले आपको 4 से 5 बार में करना पड़े, लेकिन आपको लगातार उसको पिक करता रहना चाहिए। नरमा में इसके मुकाबले में आप 3 बार में भी अगर पिकिंग करवाते हैं तो सही रहता है। चुनाई में आपका शुरुआत में जब आपको लगता है कि अभी हमारे गर्मी की वजह से बॉल छोटे हैं या पूरे सही नहीं खुले हुए हैं, तो वैसा जो या कुछ बीमारी वाले जो होते हैं कपास, उसको आप अलग रखिएगा। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी चुनाई का जो है वो सब अच्छी फसल होती है, उसको आप अलग इकट्ठा करिएगा। और लास्ट में सबसे जो आता है वो भी उस समय टिंडा छोटे होते हैं तो उसमें स्टेपल लेंथ भी कम होती है और सीड सेटिंग भी पूरा सही मैच्योर नहीं होती है, तो इसलिए उनको अलग रखना चाहिए ताकि वो हमारा बीज के लिए काम में नहीं आए। सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप खेत का टाइम टाइम पर उसमें ध्यान करते रहें। कुछ ऐसे पौधे जो सबसे कम बीमारी की मार में आए हैं, जो पौधे आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, जो हर तरह की परिस्थिति में अच्छे फले फूले हैं, उनको आप अलग से मार्क करके उनका बीज अलग से रखिएगा, वही आगे और अच्छी पैदावार देगा। देखिए, जब से आदमी ने मतलब सभ्य कहलाना शुरू किया है तभी से उसको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा जरूरी रहा है। हमारा यहाँ मतलब बहुत पुराना इतिहास में भी हम देखते हैं और जो पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पर भी कपड़ा जो है वो उन लोगों के साथ ज़रूर मिलता रहा है। तो ये है कि कपड़ा भी उतना ही पुराना इतिहास है जितना मानव सभ्यता का है। कई तरह के पौधे हैं जिनसे रेशा तैयार होता और कपड़ा बुना जाता रहा है, उसमें एक मुख्य फसल जो है वो देसी कपास रहा है और ये हमारे यहाँ सदियों से होती रही है। इससे चुनाई के बाद इसको बीज अलग करने के बाद फिर इसका धागा तैयार करते हुए कपड़ा तैयार किया जाता रहा है और उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये था कि जहाँ कहीं भी मानव आबादी थी तो वहीं वो अपनी ज़रूरत के लिए खेती भी करते थे। तो इसी तरह से देसी कपास जहाँ पैदा की जाती थी उसको वहीं गांव के लोग ही उसकी चुनाई करते थे, वही इसकी बेलाई करके बीज और रुई को अलग किया करते थे, उसके बाद इसका धुनाई करना, कताई करना, उससे कपड़ा बुनना। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती थी और ये सब अपना गांवों में होता था। भारत को जब सोने की चिड़िया कहते हैं तो उसका मतलब यही था कि हमारे भारत के गांव भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे और एक दूसरे से मिलजुल कर वो अपना सारी ज़रूरतें जो है पूरी किया करते थे। हमारा कपड़ा जो है उसके बारे में ढाका की मलमल बहुत मशहूर है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो इतना महीन मतलब उसका कताई होती थी, धागा इतना महीन होता था जिससे बुना हुआ कपड़ा भी आप एक हाथ की उंगली की अंगूठी में से पूरा थान निकाल सकते थे। यही हमारा जो कला थी, हमारी जो खूबी थी और हमारे यहाँ के हस्तशिल्पकारों की जो ये कला थी, इसी के लिए 7 समुद्र पार करते हुए अंग्रेज भी यहाँ आए, जिनका 2 मुख्य मांग रहती थी। एक तो हमारे मसालों का उन्हें ज़रूरत थी और दूसरा कपड़े का, वो यहाँ से व्यापार करने के लिए
आते रहे। धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति आना शुरू हुई तो उसके साथ ये हाथ से जो इसका कटाई करने का और ये काम था, ये काम मशीनें करना शुरू कर दिया। जब से मशीनों ने ये काम शुरू किया, उनके लिए धागा कटाई करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी लंबे रेशे के कपास की। उसके लिए ही हमारे यहाँ नरमा लाया गया। और आज चूँकि सारा काम मिलों से होता है, गांवों में या घर में कताई का और वो काम बहुत कम हो गया है, सब काम मिलों से होता है, तो मिलों की ज़रूरत के अनुसार ही आज जो है वो नरमा पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बाज़ार में मांग उसी की रहती है। मगर फिर भी देसी कपास की मांग अपनी जगह है और ये बाज़ार में हमेशा रहेगी ही रहेगी। और अभी जो हम KVM की ओर से तिरंजन के माध्यम से जो गांवों में दोबारा से इस काम को जीवित करना चाह रहे हैं, हमारे बुनकरों को उनको दोबारा से काम लगा रहे हैं, तो हमारे लिए देसी कपास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इसे करते हुए अपने गांवों को दोबारा से आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे। सबसे बड़ी और सबसे मुख्य सवाल तो मैं ये कहूँगा कि BT कॉटन आने के बाद से उसने किसानों से अपना जो बीज पर उनका किसान का हक था वो सबसे पहले छीन लिया है। आज किसान को बीज के लिए उन कंपनियों ने, चंद पूंजीपतियों ने अपने पर निर्भर कर लिया है। अगर वो आपको बीज देंगे तो आपको मिलेगा, वरना आप अपना कोई बीज नहीं लगा पाएंगे। ये हमारी आत्मनिर्भरता पर सबसे बड़ा हमला है। बीज किसी भी तरह का हो, वो केवल किसान के लिए है। बीज का इस पूरे दुनिया में किसी आदमी को और ज़रूरत नहीं होती, वो केवल किसान को बीज की ज़रूरत होती है। और किसानों से बीज पर उनकी निर्भरता, जो खुद की निर्भरता थी, उसको ख़त्म करके उन्होंने अपने पर निर्भर कर लिया। तो ये मैं तो मानूंगा कि आप अगर किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं तो ये भी एक तरह से गुलामी है, आप उनके गुलाम हो गए हैं। अगर वो आप बीज लगाते हैं तो फिर आपको उनकी ज़रूरत के लिए उन्हीं के सुझाए गए उसी तरह के खाद, दवाइयाँ और वो सब देना होगा, जो फिर आप प्रकृति से उलट जा रहे हैं। और BT कॉटन की वजह से सबसे बड़ी हमारे मानव स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे तैयार हुए कपड़ों से हमें चमड़ी संबंधी बीमारियां आ रही हैं। उसका बिनोला जो है, वो बिनोला कपास का बिनोला केवल तेल निकालने के काम आता है, और वही तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब आप BT कॉटन से तैयार हुआ तेल इस्तेमाल करेंगे, उससे बिनोला को या जो उसका खली बचती है उसको जब आप अपने पशुओं को देंगे, तो पशुओं का भी दिया हुआ दूध आखिर आपके उपयोग में ही आएगा, वो भी हमारे लिए बहुत गलत है। और तीसरा है कि BT कॉटन अकेला केवल जो बड़ी कताई मिले हैं उन्हीं के लिए काम आएगा। आप BT कॉटन से अपने तौर पर या जो हमारा ग्रामीण स्तर पर है, हम उससे धागा या कताई करके कुछ कपड़ा नहीं बना सकते, वो हमारे लिए संभव भी नहीं है। तो उसने हमारा ये हक भी छीन लिया। इसलिए यही है कि जितना BT कॉटन से बचा जाए उतना ही मैं तो इसे अच्छा मानूंगा।